सुबह के 5:45 बज रहे हैं और हम लोग निकलने वाले हैं पातालकोट के लिए। अभी घर पे सब सो रहे हैं, पर देखें बच्चे रेडी हो गए। हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे स्कॉर्पियो से। रास्ता थोड़ा सकरा है, सुबह के 6 बज गए हैं, 5:45 बजे उठे थे और बच्चे अभी तक तैयार नहीं हो पाए हैं। पातालकोट के लिए निकलना है, 70 किलोमीटर है। अभी तो गाड़ी पलटाना ही एक बड़ा टास्क है। ये स्कॉर्पियो, इस रास्ते से हम होके जाने वाले हैं और पलटाने के लिए जगह बहुत ही कम है। मैं आपको दिखाता हूँ। चाबी नेहा, वो बाकी को बोलना चाबी लेके आए, गाड़ी पलटाना है। बच्चे अभी तक रेडी नहीं हुए, सजरे धजरे हैं। निकलना तो वैसे 5:30 बजे था पर 6 बज चुके हैं, लगता है 6:15 तक हम लोग निकल ही पाएंगे। सुबह के 6:10 हो गए हैं और हम लोग अब निकलने के लिए तैयार हैं। लड़के सब तैयार हैं, गाड़ी भी पलट चुकी है बड़ी मेहनत के बाद, और अब धीरे धीरे करके सब बैठेंगे। जल्दी चलो चलो, अपना नाम बताते चलो। नेहा, किट्टू, जल्दी चलो। ये सबसे ज्यादा लेट करने वाले महाशय विनीत यदुवंशी, बाकी अंदर। अब ये सीट के लिए लड़ाई हो रही है। ये श्रद्धा यदुवंशी, हम लोग लगभग 1.25 घंटा लेट हैं और अभी जूते ही पहने जा रहे हैं। और अब हम निकलने के लिए तैयार है। ये जरा पीछे दर्शकों को दिखाया जाए। ओ ये सब कोमा से आ रही है लड़का। हेलो, वी आर रेडी टू गो। बस हो गया, आगे ले लो, आगे का जगह था। आगे का ले रहा सेल्फी ले रहा सब। नहीं नहीं, ये जगह तो देखा कितनी सही है। तो धक्का नहीं लगना चाहिए गुड्डू, आपको तो लगेगा। आप और हम अभी निकले हैं बामनवाड़ा से। यहाँ से लगभग कितने किलोमीटर है बिजू? 70 किलोमीटर है। हम लोग करीब करीब 9 बजे पहुँचेंगे। पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे ये ड्राइवर पे डिपेंड करता है। और हमारे पास कोई तैयारी नहीं है, अगर पानी गिर गया तो हम गाड़ी से ही वापस आ जाएंगे। बगल में चावल लगे हुए हैं, दिखाइए। धान लगे हो तो चावल ही निकलेंगे ना। हमारा हृदयगढ़ रेलवे स्टेशन, यहाँ से अब हम निकल रहे हैं और ये हमारे ड्राइवर मिस्टर रोहित यदुवंशी। बोलने की जरूरत नहीं, हम बाद में ऑडियो डाल देंगे। अपना काम करो। और यहाँ पे कोयले की खदानें हैं जिसके कारण रोड पूरी काली काली नजर आ रही है, दिखाइए। ये वाला कट कर देना। सूरज निकल चुका और ये पार्टी भी पड़ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। लकी यहाँ गिरा था। तो दिखा नहीं था क्या हुआ था लकी? पिकअप क्या आई थी, ये अच्छी स्पीड में थे और घुस गए कंटिन्यू गाड़ी। तो पार्टी
और बहुत ही ज्यादा हल्ला कर रहे हैं यहाँ पप्पू। और ये स्पीड हो गई है गाड़ी की 130 की स्पीड से रोहित। अरे टोनी को कोई फोन लगाएगा पप्पू? हाँ, और ये ड्राइवर चेंज हो चुका है अब, और ड्राइवर फुल टू पोस्ट पे। हम लोग चुनार दे पहुंच चुके हैं और अभी हम लगभग 10 किलोमीटर ही चले। लेट्स गेट गोइंग। क्या बिच्चू मारेगा आपको? क्या तेरी भावना है अभी? ये हम चुनार दे पहुंच चुके हैं, छोटा सा ब्रिज, इसको रपटा कहते हैं। रपटा ये देखो, जिसकी जहां मर्जी वहां रोक देते हैं। रेलवे क्रॉसिंग पे रुके, ये दोनों वार्तालाप कर रहे हैं और ये ड्राइवर ये का। तो रिकॉर्ड है क्या वो बोलते हैं डांस में जो मेन मूव होता है, क्या बोलते हैं? सिग्नेचर स्टेप। सिग्नेचर स्टेप है ये इनका ड्राइविंग का। हम दोनों दो प्रेमी लेक जो काई में तब्दील हो गई है, काई से भरी हुई। ये पानी है, घास नहीं। और अभी हम जामई में हैं, यहाँ से पचमढ़ी 109 किलोमीटर, तामिया 28 और भोपाल 252 किलोमीटर। अभी हम जामई के मार्केट में हैं। पहुँच गए हैं। ये देखिए यहाँ का एकमात्र ATM। ये पैसे रखे? अरे दिया। हाँ। यो। राइट की लेफ्ट जा। देखो तो। ये नंदलाल उत्कृष्ट विद्यालय और ये है स्कूल नंदलाल सूद शुभम का। पैसे निकाल लो। अरे मेरे पास 4000 ATM पे रोक देना। 4000 तो फिर रहने दो, फिर टाइम वेस्ट होगा, फिर वही तो करना। 2000 और डीजल देखो ना, तो पहले डीजल तो है। और ये बबली टी स्टॉल 500 के हैं और चिल्लर ज्यादा नहीं है। आपने पोवा ही खाना पड़ा। और ये रहा स्कूल। आज 15 अगस्त है, झंडा वंदन की तैयारी चल रही है। ये डीजल है। और स्कूल के बच्चे तैयार होके स्कूल जाते हुए। क्या भैया? ये डीजल बनाना है? डीजल भारत माता की जय। चिल्लर अब ज्यादा नहीं है तो फिर भरवा लेते ना, रेस्क्यू लेना। अभी बहुत है। ये देखो तैयार स्कूल। हम लोग जामे क्रॉस कर चुके हैं, अब रोड खराब हो गई है। बस ही नहीं बड़े थे हम लोग पहली फायरी पहुंचने वाले हैं।
आते वक्त देखेंगे। माँ शंकर भगवान। पहली पारी लेफ्ट में और टूरिस्ट होटल तामिया 24 किलोमीटर। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि शंकर भगवान रुके थे, जिसको छोटा महादेव भी कहा जाता है। और ये छोटा महादेव नहीं है, ये है पहली पायरी। यहाँ से जाते हैं पहली पायरी पर हम लोग लौटते में रुकेंगे। हम लोग वैसे ही लेट हो चुके हैं, ज्यादा धूप हो जाएगी तो हम लोग को नज़ारे दिखने मजे नहीं आएगा, पर बहुत ही सुंदर दृश्य। घने जंगल, सागुन के पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ वृक्षारोपण भी किया। ये वृक्षारोपण बहुत पहले किया था जो बड़े हो गए, अभी नया वृक्षारोपण किया है। अभी तामिया यहाँ से 24 किलोमीटर है। अब हम चढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग बताते पतालकोट जा रहे हैं, जो कि ऐसा माना जाता है कि खाई में है और वहाँ का सूरज की रोशनी 12 बजे पहुँचती, इतना गहरा है। हम लोग नीचे शायद ही उतर पाए क्योंकि हम लोग को वापस भी जल्दी जाना है, पर हम कोशिश करेंगे कि थोड़े नीचे जाएं और देखें। ये देखिए बहुत ही हरा भरा। पूरे छिंदवाड़ा जिले में सागुन के पेड़ भरपूर मात्रा में लगे हुए हैं, जिसे टी फूड भी कहते हैं। बारिश काफी दिनों से हुई नहीं है पर फिर भी सब कुछ हरा भरा है। लोग काफी ऊपर आ चुके हैं, शहर नीचे दिखने लगा है। बच्चा पार्टी आया। कुछ लोग अभी भी नींद में, जैसे ही है श्रद्धा और ये पीछे लक्की। लक्की को बड़ा अफसोस है, उसका एक चश्मा छूट गया है। लक्की को दुख है कि वो 2-3 कपड़े, जोड़ी कपड़े नहीं लेके आया, उसको फोटो शूट कराना था। अच्छा सही में बोला था क्या? हाँ। और ये बिज्जू जिसका डिमोशन हो चुका, पहले आगे की सीट में बैठे थे, अभी सबसे कोने वाली सीट में। और ये रही किट्टू आधी नींद में। एक चश्मा बाकी।